हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो निकल चुके हैं सर्जरी की लास्ट लीडरशिप क्लास के लिए, ये अपने साथ गोविंद सिंह बगल। तो दोस्तों, इमरजेंसी सर्जरी के लिए हम काफी दूर आ चुके हैं अलमाटी से, पता नहीं कौन सा स्टॉप है। और ये हमारा नहीं पता हम कहाँ गए, कोई गांव का इलाका है, बिल्कुल एकदम ग्रामीण। और मेरे को ऐसे कैसे लग रहा है जैसे अपना राजस्थान में था बाजरा वो रखा हो, है ऐसे लग रहा है भाई कि बाजरा हो, बाजरा वो उधर बाजरा लग रहा है मेरे को। अच्छा, वो बरगद का पेड़ है ये, वो क्रेन वेन पता नहीं कुछ होगा, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कोई स्टोर स्टोर मीटिंग। कौन है बहुत अच्छा आदमी, सभी लोग बस का वेट कर रहे हैं भाई, दूसरी बस। मैं ऐसे लोग ही ढूंढता हूँ जो वाकई में कुछ वर्थ इट है, जो ओरिजिनल है, जेन्युइन है। और बाय द वे यहाँ का वेदर देख के आज मेरे इतना सुकून मिल रहा है, क्योंकि हमारी आज लास्ट क्लास है। सबसे पहली खुशी बात तो ये है क्योंकि ये लोकेशन इतनी दूर थी, लेकिन फिर भी हमें एक आने के गट्स थे यहाँ पे। ये लोकेशन है अलमाटी से वेरी लकी टू कम हियर, 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे आके मतलब एक अच्छी मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आपने अभी सुना होगा गोविंद सिंह का लेक्चर, कैसा लगा आपको? बस बहुत अच्छा, ऐसे लेक्चर देता रहता है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह सेटिस्फाइड है, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मेरे को अपना काम करना था, मुझे अपने व्यूज देने थे, अपना पॉइंट बताना था। बस आ गई तो उसमें चलते हैं आगे, मिलाते हैं। बस आने वाली है, मेरे को अपना पॉइंट बोलना था, मैंने अपना क्लियर किया। दैट आई एम फीलिंग वेरी सो हैप्पी फॉर वेरी लकी इन दिस प्लेस, यू नो। यहाँ पे इंडिया जैसी ट्रेन देखने को मिल रही है, मैं चलती हूं। और ट्रेन निकल गई भाई हमारी, बाकी वाले डब्बे कहाँ पर हैं? डब्बे तो है ही ना, जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो मेकर है, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे इस लोकेशन को लेकर क्या राय है? लोकेशन भाई बहुत अच्छी है, सुकून है ऐसे, बिल्कुल अलमाटी से बाहर, बिल्कुल ऐसे हरियाली वगैरह सनता लग रही है। बस ऐसा मन कर रहा है यहाँ पे एक दो घंटे अच्छे से बैठो। यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ में हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनकी वीडियो बननी बंद नहीं होगी, इतने पैशनेट है इस काम को लेके भाई। ये ट्रेन गई है भाई, ये ट्रेन ऐसे गई जैसे गोविंद सिंह की लाइफ से लड़कियाँ जाती हैं, ऐसी जाती हैं इसी ट्रेन की रफ्तार से। हाँ, ट्रेन की रफ्तार से। हाँ सही बोल रहा है, ऐसे ही ना। यस, मतलब कि मैं ये बोल रहा था रफ्तार से आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूरी है, लोकेशन है, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। बाकी ये कि नजर देखने को मिल जाते नए नए, हमारा मोटिव ये लाइफ में हमें वो चाहिए, क्या नज़ारे चाहिए हमारा। मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, मेरा मोटो ये है कि भाई अच्छे अच्छे नज़ारे हो, आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आया, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। चलो ठीक है, मिलते हैं हॉस्पिटल पहुंच गया। ये फिर से एक ट्रेन जैसे गोविंद सिंह की लाइफ में, तो पर ये तो डब्बा ही है, मान लो ये तो डब्बा ही है, मॉडिफाई करवाया, मैं सोच रहा पूरी ट्रेन आएगी, ये तो धोखा हुआ, गलत बात। अरे कर ले जूम, मैंने एक भूखे आदमी को एक चॉकलेट दी, मैंने मांगी नहीं फिर भी मैंने दी चॉकलेट का भूखा। आजा आजा, तू भी आजा, ले 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 प्रसाद ले ले, ठीक है।
ये हरामी मानुस। यस बहुत हरामी, इतना हरामी की गर्व है इस चीज पे। अरे यार चीज पिघल गई, अभी से एक चाट के खाएगा अभी, सभी सबको चाट के खानी पड़ेगी यार, पिघल गई। खा ये वीडियो बना रहा है, खा तो ये अभिषेक। मीठी मीठी कैसी लग रही है? मीठी मीठी भाई, सारे मिलके गुजर के पैंट से खटमल ढूंढो रे। हमारे हॉस्टल में घूमते रहते हैं गुजर के पैंट में घूम रहे हैं। गुदगुदी क्यों हो रही है आज इतनी? अरे खटमल ही था ना, और कुछ तो नहीं था। मैं बोल रहा हूँ उधर वो टॉयलेट में जाके, तू टॉयलेट वाला इधर से गेट बंद कर रखा है, अभी जाके आया ये। लंगर में बैठे हुए हमारे कुछ गरीब दोस्त ग्रुपमेट, उससे बोल रहे हैं माई दे दे खाने को दे दे। बैटिंग में हूँ, बगावड़े बैठ के बैठे आराम से बतला बताए। नितिन से बोलता हूँ, बैठे आ रहा हूँ। हेलो तन मन की बतलाऊ आपको। हेलो, अरे पानी लेके नीचे है। मैं नीचे हूँ भाई, मैच एक रोमांचक परिस्थिति में पहुंचते हुए और यहाँ पे एक सुपर ओवर की दरकिनार हो चुकी है। सबसे पहले खेल रही है हमारी टीम, हमारी टीम में स्टार प्लेयर उतर चुके हैं पीयूष बाजिया एंड उस भाई का पता नहीं साउथ का है, उसी ने लास्ट मैच जिताया था, हमारे बराबर किया था। सुपर ओवर के रूल्स इन्हें पता नहीं है, दो बॉल खाली जा चुकी हैं जो नहीं जानी चाहिए थी। एक रन, पीयूष बाजिया ऑन स्ट्राइक, देखते हैं। और ये छक्का, 7 रन टोटल, 4 बॉल। और ये यहाँ पे आउट हो गया। नेक्स्ट प्लेयर अमितेश, सरनेम बोल नहीं सकते अमितेश। बढ़िया, देखते हैं इस बॉल पे क्या आता है। ओ ये आउट नहीं हुआ, बच गए 1 रन। लास्ट बॉल, सुपर ओवर, और ये बार मारती आउट, टारगेट 8 रन का शायद, 8-9 रन। सुपर ओवर मैं दिखा नहीं सका हमारे वाली बारी, पर हम जीत चुके हैं सुपर ओवर 1 रन से, पीयूष ने जिता दिया। ये एक लगा डेली में नीचे आता। ये इंडिया में रहते हैं तो झाड़ियों के जाके वो तोड़ते हैं बोर, और यहाँ पे चेरी, काम सेम है। ओ ओए, सॉरी बच गई थोड़ी सी। समाज सेवा भी तो करते अपने वाले, अमितेश जयेंद्र
पीयूष चलो बढ़िया करनी भी चाहिए समाज सेवा, हॉस्टल खाली कराने में मदद कर रहे हैं तभी भरेंगे।